व्लॉग कल वाली ही जगह से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, होप आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और देखिए, हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, ऐसे कुफरी के उसी रास्ते से हमारी घुड़सवारी शुरू हो रखी है और हम आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। रहमत ने मजे करने थे, वो गलत टाइम से हो गई है। रहमत ने मजे करने, पर रहमत ने हिलना भी था और स्लिप हो जाना था, है ना? होप आपको भी पसंद आ रहा होगा हमारे साथ ऐसे हाउस हॉर्स की राइडिंग करने में। देखिए कितना, मतलब एक अलग ही एक वाइब आ रही है। और बस कुछ आगे जाकर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भैया लोग चार्जेस कर रहे हैं 20 रुपीज़ पर हॉर्स के हिसाब से एक पे करना है और फिर वो आगे जाने देते हैं। यश को लग रहा है यहाँ पे कि हम ऐसे ही चुपचुपा के निकल गए हैं और हमने ऐसे पेमेंट वहाँ नहीं की है एग्जैक्टली, बिकॉज हमें बताया नहीं गया था और हम किसी तरह का भी कैश ऊपर लेकर नहीं गए थे। मेरे पास फ़ोन था, गूगल पे था, तो आई थॉट कि मैं बाद में कर दूँगी। तो भैया बोले कोई बात नहीं, आते वक्त हम लोग पे कर देंगे एक साथ ही। और ऊपर जाकर भी जहाँ पे हमने नाग टेम्पल देखना है और एप्पल वैली देखनी है और एडवेंचर्स के लिए जाना है, वहाँ जाने के लिए भी इन्होंने एक तरह से बैरिगेटर लगा रखा है जहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं, आफ्टर दैट ही आप लोगों को जाने देते हैं। भैया ये नीचे भी रास्ता किस तरफ जा रहा है? अलग अलग जाते हैं, उस तरफ थोड़ा साफ है ना? अरे अरे, हाँ हम तीन थे, इवन चार थे, हमारे दो बंदों ने रास्ते में सहारा छोड़ दिया। अगर वो आए होते ना तो हमें भी आधे रास्ते वापस जाना पड़ता। वो डर जाती, जो हालात देख रही हूँ ना मैं, वो डर जाती, वो हमें भी साथ लेके ही जाती, चलो वापस, कुछ नहीं करना है। मैं भी, मी टू। हम बड़ा एंजॉय करना, वरना जब भी हम ऐसे राइड लेते थे ना तो कुछ मिनटों की होती थी और हम मतलब फुल नहीं होते थे, या यूं कह लीजिए कि हम ऐसे थकते नहीं थे और लगता था कि बस हो गया। इसलिए आज हमने फुल की है, इतना लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इवन आगे जाके एक गुड़िया थी, होगी तकरीबन 13-14 साल की एज में शायद मे भी, और वो बेचारी गिर गई थी बहुत गंदे तरीके से कीचड़ में और सारे कपड़े उसके गंदे हो गए थे। ये कितने सालों से, भैया को पूछो ये कितने सालों से ये सब हो रहा है। पता
पता नहीं, यानी कि इनको पता ही नहीं तो इतने सालों से हो रहा होगा। अच्छा तो यही अभी आ रहे हैं। क्यों काहे झुकना? अच्छा अभी नहीं। आगे इसलिए बोल रहे हैं झुकने के लिए कि जैसे चढ़ाई आती है तो घोड़े के आगे की तरफ यानी कि गर्दन की तरफ झुकना होता है ताकि उसको फील ना हो, जोर ना लगे, और जब हम वापस आते हैं तो नीचे पीछे की तरफ को झुकना है ताकि उसको वो पलट ना जाए घोड़ा। चल बेटा शेरू फटाफट भाग। अब देखते ही देखते फाइनली आधे घंटे 40 मिनट का रास्ता पूरा करते हुए हम अपने इस जगह पर पहुंच गए जहां हमने पहुंचना है और आगे का सफ़र शुरू करना है। ये देखिए यश को उतार रहे हैं और अब मेरी बारी। आ गए हम घोड़े से उतर गए ऊपर यहाँ से निकल कर दे यश कुछ होगा हाँ कैसे निकलेंगे? वही कहता हूँ चढ़ाई करके जाओ न से चढ़ाई करके जाओ ऊपर से टांग टूटेगी फिर पता चलेगा। बहुत ही रफ टफ रोड है, निकलना मुश्किल हो रखा है और मैंने पहन लिया ऊपर से पंजाबी जूती। यश की हरकतें, यश सच्ची में पिटाई हो जानी अभी तेरी। हाँ प्लीज यश मैं फोन कर रही हूँ पापा को। यश दिया स्लिप दे। बुल है ये, सब यहाँ पिक्चर्स खींच रहे हैं। ये जो पहाड़ों के होते हैं ना लंबे लंबे बालों वाले बुल, उनके नाक में नथ डाल के रखा है इनको बेचारों को, और ऐसे ही वो खड़े हैं। यहाँ तक कि रस्सा भी कहीं लगा नहीं है और वहीं पे रखा है, बस ड्यू टू की टाइट किया है तो बैठे हैं। और ऊपर देखने के लिए जब हम आए हैं तो देखिए हर तरफ शॉपिंग्स के लिए बने हुए हैं कुछ स्टॉल्स, लाइक जहाँ पे बर्तन होते हैं यहाँ पहाड़ों के, क्लोथ्स,
लकड़ी की बनी हुई की चेन्स और स्वेटर्स, काफ़ी ज्वेलरी इवन, और दूसरी तरफ फूड का, हर तरफ का खाना लाइक मैगी, बर्गर्स, साउथ इंडियन डोसा, इडली, राइस, दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल। और देखिए पूरे पहाड़ पर पहुंच के हमें मिले छोटे छोटे से पूरे पहाड़ पर में से फ्लावर हैं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे। और मैंने और यश ने यहाँ पे ली खूब सारी पिक्चर्स, और राज और यश को काफ़ी मिस किया, दोनों पीछे वहाँ बैठे गाड़ी में रेस्ट कर रहे थे, और यहाँ हम घूम रहे थे, सारा एक्सप्लोर कर रहे थे अच्छे तरीके से। और बिल्कुल अपोजिट साइड हमने जाना है अभी नाग टेम्पल की तरफ, और ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ना, ये वही है सामने, दूरबीन से सारा कुछ दिखाएंगे, रानी का महल, ये महल, वो। 200 रुपीज़ पर पर्सन, इट्स टू एक्सपेंसिव ना। और यहाँ देखिए कितने सारे सब पहाड़ी कपड़े पहनकर पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि हम बिल्कुल टॉप पे हैं तो यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। मैंने तो ऐसे पिक्चर्स पहले ले रखी हैं मनाली में, सो ऐसा मेरा कुछ मूड नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ अपने ही आउटफिट के अंदर पिक्चर्स क्लिक की काफ़ी सारी, और रील्स भी क्रिएट की है मैंने। जी क्या है, नहीं तो नाग टेम्पल जा रहे थे, फिर बात करते हैं। अच्छी चीज पता है क्या, ये फ्लावर्स जो हर छोटी छोटी जगह पे ऐसे बने हुए हैं। हमें लग गई थी भूख, फिर हमने लिया कढ़ी चावल, लेने लगे कुछ खाना पीना, एक प्लेट होता चाय कॉफी मसाला। अब्बा यहाँ पे इडली भी थी, और अब बस एक पहाड़ चढ़ने के बाद एक पहाड़ उतरना है अब हमें, और इसकी तरफ जाते वक्त हमें एडवेंचर्स मिलेंगे, और साथ में हमें मिलेगा एप्पल गार्डन, और उसके बाद लास्ट विलेज जो है यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। तकरीबन हाफ एन आवर लग
हाफ एन यानी आधा मीटर, आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर जाना है और वहां पे जाके 5-7 मिनट लगेंगे बोल रहे, लेकिन तकरीबन हमें 10 मिनट्स हो गए चलते चलते, बहुत दूर है एडवेंचर्स। हम जब नीचे से हमने कुफरी का फन वर्ल्ड देखा था ना, नीचे से भी यही था और ऊपर भी वही है। फाइनली पहुंच कर हम यहाँ पहुंच गए हैं घूम फिर के, इतनी दूर का चक्कर लगा के। बस वही चीजें हैं, सेम चार्ज रहता है जो नीचे देखा था ना हमने, वे वही है। यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं, यश हम एंटर कर चुके हैं एप्पल गार्डन में, और वो देखो साथ में लिखा है ना, डोंट प्लक एप्पल फाइन 500 आगे वालों के लिए बोला उन्होंने। एप्पल गार्डन, और एप्पल गार्डन के बाहर देखिए कितने सारे ड्राई फ्रूट्स वो लोग सेल कर रहे थे। बस एक जरिया ही है देखने के लिए, तो यहाँ कुछ भी नहीं था इतना खास। यहीं पे एडवेंचर्स हो रहे हैं थोड़ा आगे चल के, और साथ में बच्चों के लिए इन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। और एप्पल तो 4-5 ही पेड़ थे एप्पल के, जिसे पूरा गार्डन दिखाया जा रहा है बोल रहे हैं, और इतना कुछ था नहीं एक्साइटिंग। बट तकरीबन 1-1.5 घंटा चलाने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, और सब परेशान हो रहे थे। कुछ बुजुर्ग भी थे, कुछ ओल्ड लेडीज़ बेचारे, छोटे बच्चे, सब परेशान थे कि हम देखने के आए हैं और हमें देखने को क्या मिला। मुझे तकरीबन 1/2 घंटा हो गया चलते हुए और मैं फुली टायर्ड हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ पे हो रहा है। हाँ करे मैं डर नहीं जाऊँगा, लेट्स सी डर जाऊंगा कि नहीं। रूम्स बार लॉन्च यहाँ पे भी कौन रहे, ओ बाप रे इतनी लंबी लाइन लगी है। और यहाँ से हाई रेंज, मैं यहाँ से अब कोई विलेज तो जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं आपको व्यू जरूर दिखा सकती हूँ। ये इस लाइन पे जाने होगा। एप्पल गार्डन से 1/2 घंटा पहुंचने के बाद, लंबी लाइन के बाद मेरी टर्न आ गई है, और टर्न आने के बाद ही ग्रिप्स हम आ गए हैं लाइन में, लगते हैं हम मम्मा को। मैं मेरा लग गया, कुछ लोग डर रहे हैं। Zipline, start with zipline. अच्छा खासा सूट ना वो चेंज करके है। चलो चलो चलो, मनाली किया था ना ये, मनाली किया था ना ये, चलो चलो चलो। पकड़ो रस्सी, पकड़ो बेटा ये रस्सी, हाँ बैठ जा, वीडियो बना रहे हो? हाँ हाँ फस गया है, फस गया है, फस गया है, पहुंच तो गया, यश फस गया।
कैसे कर रहे हैं फिर उसके बाद स्ट्रेटजी अपनाएंगे। अच्छा बस कुछ नहीं लटकते रहने, इम्पॉसिबल वाली फीलिंग है। अच्छा भैया अगर बीच में नहीं हुआ तो नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, जाना पड़ेगा। हाँ ये इजी था वैसे, अच्छा ना। नहीं मैं वापस भी जाना है। वापस आएंगे ना जब आपको ये रस्सी पकड़ लीजिएगा। यश यहाँ पे ना AK-47 ये वो की बातें कर रहा है, आर्मी एयरफोर्स की बातें करता हुआ जा रहा है इतनी जोर जोर से, आपको सुनाई नहीं देगा पर कर रहा है। बस खत्म, और आगे नहीं जा पा रहा, गया गया गया। बस फाइनली हम लोग वापस आ गए हैं सारी ट्रैकिंग वगैरह करके। सो फाइनली एक और पहाड़ चढ़कर हम वापस आ गए हैं अपना पॉइंट पे, जहाँ से हमें होर्स वापस लेकर जाएगा राज और रहमत के पास। भैया को फ़ोन कर दिया था, फ़ोन करना पड़ता है उनको और बुलाना पड़ता है 10 मिनट्स पहले ही जब आप पहुंचने वाले होते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा लग गया वापस आने में, और भैया यहाँ पे मुझे हेल्प कर रहे हैं और मैं गलत घोड़े पे बैठ गई हूँ। मुझे बेबी वाला घोड़ा था ना यश बैठेगा, मुझे दूसरे पे बैठना है। हाँ मैं बैठ गया। सो फाइनली वी आर गोइंग, तो 20 मिनट लगेंगे जाने में। पीछे से रहना, पीछे ऐसे ताकि नीचे जाना है ना। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? असल में भैया जब आते वक्त लाए थे 3 सवारी, तो उनके पास तीसरा घोड़ा भी था, उनको भी उन्होंने मेरे वाले घोड़े के पीछे बांध दिया था, और फिर हम तीनों घोड़ों को लेकर वो साथ आगे चल रहे। मुझे तो एक बार के लिए डर भी लगा कि कहीं घोड़े ऐसे ही ना भाग जाएं। ये घोड़े साइड सीन दिखा रहा है, नहीं भैया बोल रहे साइड सीन दिखा रहा है, और ये इतना पास पास चल रहा है, लग रहा है कहीं गिर ना जाए। भाई मेरे घोड़े गया।
नीचे पैरों में जोर डाला है ना, बाप रे खतरनाक व्यू। और बस वहाँ से वापसी के बाद रहमत सो रही थी और राज को मिलने के बाद रहमत उठ गई और फिर हमने लिए मोमोज़ खाने के लिए, क्योंकि अब भूख का कुछ इम्तिहान हद थी, पावर हो चुकी थी, कैंपिंग के लिए टाइम नहीं था, खुद लंच डिनर कुछ बनाने का वक्त भी कम बचा था, इसलिए हम लोग हो गए शिमला की तरफ रवाना। और ये देखिए हम शिमला में एंट्री कर चुके हैं, यहीं से नेक्स्ट व्लॉग मैं फिर आपको एडिट करके डाल दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।